नमस्कार, साई नमन नम आपका स्वागत है। मैं हूँ गणेश चिल्का। आज आपके लिए लेकर आए हैं भिवंडी पद्मनगर में डॉक्टर डे के अवसर पर विनायकम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल द्वारा निशुल्क जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है। विनायकम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर पूर्णिमा सामलेटी, डॉक्टर श्याम यादव, डॉक्टर परमेश वंगा के हाथों से दीप प्रज्वलन करके प्रारंभ किया गया है। और डॉक्टर महेंद्र एलोडे, डॉक्टर संतोष यादव ने सेवा दी है। इस मुफ्त कैंप में विनायकम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी स्टाफ ने सभी जनता को सेवा दी है। उसी तरह विनायकम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर पूर्णिमा सामदेटी, डॉक्टर परमेश वंगा, डॉक्टर श्याम यादव, डॉक्टर महेंद्र एलोडे, डॉक्टर संतोष यादव से साई नमूनों ने बात की। डॉक्टर डे के अवसर पर किया गया मुफ्त कैंप में पद्मनगर, कामतगर, भंडारी गंपोन, नारपुली व आदि जगह से जनता आकर अपना उपचार करके लिया है। उसी तरह विनायकम मल्टीस्पेशल हॉस्पिटल के डॉक्टर पूर्णिमा सामलेटी ने इस पूरे विनायकम हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दी है। उनके पास जिस तरह से जो जो सुविधा है वो भी जानकारी दी है। उसी तरह इस मुफ्त कैंप में मुफ्त दवाइयां भी बांटी गई। आइए देखते हैं। कैंप रखा है वो डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में रखा है। इसमें मुफ्त हेल्थ चेकअप के साथ में ब्लड चेकअप भी है और मुफ्त दवाई वितरण भी रखा गया है। इसके अंदर हमारे सभी जो डॉक्टर्स टीम है विनायकम हॉस्पिटल की सब इंक्लूडेड है। डॉक्टर परमेश वंगा, ही इज़ एमडी मेडिसिन, और डॉक्टर महेंद्र हेलोडे बच्चों के डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्याम यादव मायसेल्फ, डॉक्टर पूर्णिमा गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर संतोष यादव भी है जो पेशेंट्स देख रहे हैं दूसरे केबिन में, वो हड्डी के डॉक्टर है। तो आज हम लोग इस प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी हम लोगों ने रखा है ये कैंप जो है सभी पब्लिक के लिए एक सेवा का अवसर प्रदान करता है हम लोगों को। डॉक्टर्स डे एक्चुअली डॉक्टर विधान रॉय करके थे, उनके जन्मतिथि और मृत्यु दिनांक भी सेम था, उनके उपलक्ष्य में ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और ये पूरे इंडिया में सब जगह मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। तो इस दिन काफ़ी लोग बहुत से लोग कैंप भी रखते हैं और इसको हम डॉक्टर्स बड़ी खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं, सब अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोग आज ये मुफ्त कैंप रख के, फ्री के आई चेकअप, हेल्थ चेकअप रख के कैंप को सेलिब्रेट कर रहे हैं डॉक्टर्स डे। मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और मैंने कुछ बच्चे चेक किए हैं। बच्चों में नॉर्मली हमारे लिए जो कंसर्न है वो फर्स्ट इज़ ग्रोथ, कि बच्चे का ग्रोथ जो है वो उसकी उम्र के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, और बच्चा कौन से प्रॉब्लम के साथ आया है, वो एक्यूट है या क्रोनिक है, उस हिसाब से उसका जांच करना और उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट करना। अभी का जो मौसम है उस मौसम में पानी से और हवा से होने वाली बीमारियां जो है वो ज़्यादा रहती है, जैसे पानी से टाइफॉइड है, हेपेटाइटिस ए है, ये चीज़ें फैलती है, और हवा से स्वाइन फ्लू है, निमोनिया है, ये चीज़ें फैलती है। सो इसके लिए बच्चों में पानी का पानी उबाल के पीना, हैंड वॉशिंग, ये चीज़ें मायने रखती है, और बच्चा खाली पेट ना घूमे, थोड़ा थोड़ा खाली पेट ना रहे, और कुछ ना कुछ बच्चा खाता रहे जिससे उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहे और वो इन्फेक्शन को ये ना हो। सो ये चीज़ें रहती है। और दूसरा ये है कि वैक्सीनेशन, इसमें जितने भी पानी से या हवा से फैलने वाली बीमारियां हैं उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल रहती है। सो उसका फ़ायदा पेरेंट्स ले सकते हैं अपने बच्चों को बीमारी से दूर रखने के लिए। और ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में किया हुआ है, और प्लस दूसरा कि अभी बारिश चालू हुई है, बारिश में लोगों को इसका फ़ायदा लेना चाहिए कैंप का। और बारिश में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होते हैं, जैसे बच्चों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं, लूज मोशन चल रहा है, इसलिए हमने डॉक्टर महेंद्र सर का ओपिनियन रखा हुआ है। हर उस कैंप में फ्री कैंप है, और मेडिक्लेम की भी फैसिलिटीज़ हम लोगों ने हॉस्पिटल में अभी स्टार्ट कर दी है, वो भी लोगों तक पहुंचाना है इंटेंशन। और
जनता कैसे जागरूक है मैं पूछता हूँ। जनता जागरूकता के लिए हम लोगों ने जो भी कैंप्स रखे हैं उसमें प्रॉपर ओपिनियन दिया जा रहा है हर डॉक्टर्स का। डॉक्टर परमेश हैं, मैडम हैं और महेंद्र सर हैं, डॉक्टर संतोष सर हैं, सब लोग अपनी अपनी जो भी ओपिनियंस है हर पेशेंट को पूरी तरह से ओपिनियन दे करके ये कर रहे हैं। सर मैं MD डॉक्टर हूँ। अभी बारिश के टाइम पे कैसा है कि बहुत जनों को डेंगू मलेरिया चीज ये सब होते ही है, टाइफॉइड, बाहर का पानी जो पीते हैं तो गंदा रहता है, उसको बॉईल करके अच्छे से वही बॉईल का पानी पीना है और मच्छर का नेट लगाना है, मच्छर का बाइट होने के बाद मलेरिया डेंगू का जांच करा के उसका इलाज कराना पड़ता है। तो पानी जमा होने नहीं देना चाहिए, क्लीन एंड नीट रहना चाहिए घर पे सब। और सर्दी खांसी हुआ तो जल्दी उसका इलाज करा लीजिए, ज़्यादा दिन सर तक बीमार नहीं चढ़ना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। और अभी ये हमारा विनायकम हॉस्पिटल एक साल हो गया अभी सेलिब्रेट किया हमने। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स हमने यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, जैसे हार्ट अटैक पेशेंट आया, पैरालिसिस पेशेंट है, हाथ पैर गिर जाना, सर का बुखार, फेफड़े में इन्फेक्शन, TB जैसे बहुत खतरनाक बीमारी, ये सब चीज़ों का इलाज हो रहा है यहाँ पे हमारे पास। इसी के साथ लोग गरीब पेशेंट्स जो है जिनके पास मेडिक्लेम है, जिनके पास पैसे नहीं है, उनको कम पैसे में इलाज करने की सुविधा भी है, मेडिक्लेम फैसिलिटी है, कैशलेस, जिसको एक रुपये की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में सब सेवा हम दे रहे हैं और आगे देने की और अपेक्षा कर रहे हैं हम। थैंक। आज डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में विनायकम हॉस्पिटल में फ्री कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कि इस गायनिक, ऑर्थोपेडिक, मेडिकल, मेडिसिन के रिलेटेड जितने भी पेशेंट उनको देखा गया है। तो जैसे कि हड्डी के बारे में बोला जाता है कि ठंडियों में जोड़ों के दर्द बढ़ जाते हैं, तो अगर आपको इनसे बचना है तो टाइम टू टाइम आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सुबह वॉकिंग करो आप, और योगा कर सकते हो आप तो योगा करो आप। और कम एज के वाले को ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम, और इसमें क्या कहना है? इसके लिए क्या है कि ये ज़्यादातर जो उनमें दिक्कतें आती हैं वो जो इनका रूटीन जो है उनके कारण होता है। जैसे कि आजकल मोबाइल गेम खेलते हैं तो नेक पेन उनमें ज़्यादा होता है, जो ऑफिस में वर्क करते हैं बैठने का एटीट्यूड उनका गलत होता है, उसके कारण से उनको बैकिक ज़्यादा होता है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि कम से कम सुबह उठ के कम से कम आधा एक घंटे के लिए सन एक्सपोजर ज़रूरी होता है, इससे क्या कैल्शियम बनता है, ठीक है। तो बैकिक की प्रॉब्लम के लिए क्या उनको एक्सरसाइज अपने लिए कम से कम आधा एक घंटा तो निकालना चाहिए शरीर के लिए सुबह शाम। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे साई नमो नमो से। मैं गणेश चिल्का, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को।